हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी वाशने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन से इज एबीसीडी इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 6। ये आप बोल सकते हैं जस्ट उसका उल्टा ही है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंचती रहे। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो एक रोम्बस का फिगर बना लेते हैं। ये मेरा एक रोम्बस हो गया, ओके, ठीक है जी। ये आपका एक रोम्बस हो गया, फिगर ए बी सी डी। उसने बोला है कि जो डायगोनल एसी है, एसी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को। ये मुझे प्रूव करना है, मींस एंगल वन एंगल टू के इक्वल और एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल। ये हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था 6, उसमें भी ऐसे ही किया था, लेकिन इसने बोला हुआ रोम्बस है तो मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। आइए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है ए बी इक्वल है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ओके। इसमें देखें ए बी इक्वल है किसके, सी बी के, सी बी के, सॉरी ए बी सी बी के इक्वल है। ये ए बी, ये सी बी या बी सी आप बोल सकते हैं, उसके इक्वल हो गया। तो आपका जो एंगल टू और एंगल फोर, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर क्यों होंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल है जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो ये आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे किसके, अपोजिट जो आपकी साइड होती है, सॉरी ये इक्वल साइड्स के। तो ये प्रूव हो गया ना। तो मैं इसे कैसे, हमने बोल ही दिया कि एंगल टू एंगल फोर के आपके आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी इसमें करते हैं सेम चीज, इसमें भी आएगी ए डी इक्वल है सी डी के, ए डी इक्वल हो जाएगा सी डी के, ए डी इक्वल सी डी के, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल वन भी तो इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के, रीजन सेम रीजन दे दीजिएगा, ओके। अच्छा जी, अब अगर आप इधर देखें कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और जिसमें ए सी आपकी ट्रांसवर्सल होगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे नहीं। तो नाउ आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो आपका जो एंगल टू होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के और एंगल वन इक्वल हो जाएगा एंगल फोर के। क्यों होंगे ये, ड्यू टू, रीजन लिख दीजिए, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। टू थ्री के हो गया, वन फोर के हो गया, और हम ये पहले ही कर चुके हैं कि टू और फोर भी आपस में आपके इक्वल होते हैं, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। तो अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल, देखिए एंगल टू फोर के भी इक्वल है, एंगल टू थ्री के भी इक्वल है, तो फोर और थ्री ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल फोर और थ्री आपस में इक्वल हो गए। अब अगर आप ये और देखें कि एंगल फोर जो है वन के इक्वल भी तो है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं वन भी इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज यही इतना करने के बाद आप लिख सकते हैं कि एंगल वन इक्वल हो जाएगा एंगल टू इक्वल एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। तो बेसिकली ये चारों एंगल आपके आपस में इक्वल हो गए। सेम जे, ये तो किसके साथ हुआ है, डायगोनल ए, सॉरी आपका ये ए सी जो डायगोनल है इसके अकॉर्डिंग। अब आपको सेम पूरा सारा कुछ ऐसे ही होगा, सेम पैटर्न है, बस आपको क्या करना है एंगल ये जो आपका सॉरी डायगोनल है बीडी का बताना है। तो अब हम इससे देखते हैं डायगोनल बीडी से, आइए
तो आइए अब हम देखते हैं अपने बीडी डायगनल की तरफ। हम पहले अभी मैंने किया था एसी के लिए, अब हम देखते हैं बीडी के लिए। उसमें फोर तक हो गया, अब इसमें करेंगे हम फाइव सिक्स सेवन एट। ओके सेम पैटर्न है। सबसे पहले हमने उसमें ट्राइंगल को लिया था, तो इसमें भी हम वही करेंगे, ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ओके तो एंगल इसमें ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है ए डी के। ओके क्योंकि रोम्बस है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिक्स इक्वल हो जाएगा एंगल एट के। रीजन क्या लिखेंगे, वही अपना लास्ट वाला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन। कब आपके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, जब आपकी साइड इक्वल है। तो ये आप पूरा वही रीजन लिख दीजिएगा। ओके नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपने लिया है सी, आप ले सकते हैं सी बी डी, सी बी डी। इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि सी डी इक्वल है मेरा सी बी के। ओके तो एंगल सेवन और फाइव, एंगल सेवन इक्वल हो जाएगा एंगल फाइव के। रीजन वही दे दीजिएगा आप अपना, सेम रीजन अपोजिट एंगल वाला। अब आगे अपना क्या देखते हैं, अब ये देखिए ए डी और बी सी ये पैरेलल है। नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ऐसे तो किया था ना जब हमने ए सी यू डायगनल को लिया था, तो देखिए ये और ये, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे बनने वाला और एंगल यहाँ पे बनने वाले, ये चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। आपस में नहीं, मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि एंगल फाइव एंड एट, एंगल फाइव इक्वल्स टू एंगल एट और एंगल सेवन इक्वल्स टू एंगल सिक्स। रीजन ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसकी वजह से आपके आए दो ना आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए अभी सिक्स और एट आपस में इक्वल थे, सिक्स और एट आपस में इक्वल थे, तो जब आप सिक्स और एट आपस में इक्वल हैं तो एट के आगे क्या है फाइव, तो सिक्स वाला जो है फाइव के भी तो इक्वल होगा। इन एंगल्स में आप कंफ्यूज मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले आप यहाँ देखो सिक्स और एट आपस में हमारे क्वेश्चन में पहले इक्वल है और एट जो है फाइव के भी इक्वल है। यहाँ एट आपका सिक्स के भी है और फाइव के भी है, तो मैं लिख नहीं सकती कि एंगल सिक्स एंगल फाइव के भी इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा, होगा जी। अच्छा जी अब आप एक चीज और देखिए, यहां से मिल गया एंगल सिक्स सेवन के भी इक्वल हो गया, एंगल सिक्स जो है फाइव के भी हो गया, तो एंगल सेवन और फाइव ये आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो अब आप चारों एंगल दिख गए एक दूसरे के इक्वल, तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट। तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। हमें क्वेश्चन में यही करना था कि ये डायगनल जो है इन दोनों एंगल्स को, एंगल बी और एंगल डी को भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है और आप जैसे जैसे बार बार रिपीट करेंगे। अगर इन केस आपको कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।